मांडा पुलिस ने स्मैकियों पर कसा शिकंजा, एक महिला सहित एक पुरुष गिरफ्तार। जेठ संघ छोटे भाई की पत्नी स्मैक के साथ गिरफ्तार। कई सालों से कर रहे थे स्मैक का कारोबार। मांडा प्रयागराज पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों एवं माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत यमुनापुर पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के मार्गदर्शन में मांडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार की सुबह इंस्पेक्टर मांडा धाकेश्वर सिंह स्मैकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर मांडा धाकेश्वर सिंह ने बताया कि मांडा पुलिस व एसओजी की टीम ने मांडा थाना क्षेत्र के कन्नेवरा गांव में दबिश देकर आरोपी संगीता दुबे पत्नी दयाशंकर दुबे और मेंटल के कब्जे से 63 ग्राम नशीला मटमेला पाउडर, स्मैक व दो अदद मोबाइल एवं 1700 रुपए नगद बरामद किए हैं। वो आरोपी मयाशंकर उर्फ बलिस्टर पुत्र वासुदेव उर्फ मुचुन दुबे निवासी कनेवरा थाना मांडा के कब्जे से 55 ग्राम नशीला मटमेला पाउडर, स्मैक, एक अदद मोबाइल, 800 नगर बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। उक्त गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी दिव्या राम बहादुर सिंह, दरोगा सुभाष यादव आदि पुलिसकर्मी रहे। वह एसओजी प्रभारी यमुनापुर संतोष कुमार सिंह भी पुलिस कर्मियों के साथ शामिल रहे। इंस्पेक्टर मांडा धाकेश्वर सिंह ने कहा कि इसी तरह स्मैकियों पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्र में लगातार स्मैकियों व अवैध जहरीली शराब बनाने वाले तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की गई। कल दिनों से तस्करों की तलाश की जा रही थी। सूचना पर आज स्मैकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। लगातार इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनमानस की जिंदगी बचाई जा सके। इंस्पेक्टर मांडा धाकेश्वर सिंह ने कहा कि और कई लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। स्मैक से जुड़े लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस कार्रवाई में अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। स्टार 7 टीवी न्यूज के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।